क्या हुआ है? तुम समझती क्या हो खुद को? आफान को बेवकूफ बनाकर पूरे घर पर कब्जा कर लोगी? खाला को निढाल समझकर हर चीज पर हुक्मरानी कर लोगी? वो दिन दूर नहीं है जब वो सदमे से बाहर निकलेंगी, और जब वो सदमे से बाहर निकलेंगी तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद कराएंगी और वैसा ही सलूक करेंगी जैसा पहले करती थी। Shut up, आईमा। मैं तुम्हें इतनी बार बता चुकी हूँ कि मुझसे फजूल बातें मत किया करो। तुम मुझे शट अप कह रही हो? जब एक इंसान फजूल और बेकार बातें करेगा तो उसे और क्या कहा जाएगा? आने दो खाला को, सब बताऊंगी उन्हें तुम्हारी हरकतें। कौन सी हरकतें? वही जो तुम मुझे और मेरी अम्मी को नीचा दिखाने के लिए सब हरकतें करती हो। सिवाय सच के मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। अगर तुम किसी से कुछ कहना चाहती हो तो तुम शौक से कहो। मैं भी देखती हूँ कि कौन तुम्हारी बात पे यकीन करता है। ये सब तुम आफान के साथ होने पर इतरा रही हो ना? तुम्हारी ये धौंस भी बहुत जल्द निकाल दूंगी मैं। अगर तुम आफान को मेरे खिलाफ करोगे तो मुझे शदीद अफसोस होगा तुम्हारी नाकामी पर। और जहां तक मुझे लगता है, आफान अपनी आंखें हमेशा खुली रखते और अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते, वो दूसरों की तरह तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएंगे। अगर तुम चाहो तो कोशिश कर देखो। देख लूंगी मैं तुम्हें भी, और तुम्हारा ये जोम एक मिनट में खत्म करूंगी। और आफान, वो तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा, जैसे शहरयार ने एमल को धक्के मारकर निकाला था। ठीक, ये भी देख लेते हैं।